विचार है कि लोकतंत्र विरोधी धारणा है। तो इसमें आलोचकों का मानना था कि यद्यपि मार्क्सवाद समाजवादी लोकतंत्र के प्रति आस्था व्यक्त करता है, मार्क्सवाद क्या करता है कि समाजवादी लोकतंत्र के प्रति आस्था व्यक्त करते हैं, कि अगर वास्तव में यह तानाशाही व्यवस्था का ही दूसरा रूप है, इस व्यवस्था में उस कोई दूसरा राजनीतिक दल नहीं होता है, ठीक है, मतलब जो समाजवादी लोकतंत्र के प्रति जो मार्क्स आस्था व्यक्त करता है, इस व्यवस्था में तानाशाही व्यवस्था का जो दूसरा रूप है, इस व्यवस्था में कोई दूसरा वर्ग नहीं होता है, दूसरा राजनीतिक दल नहीं होता है। फिर जब हम मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत पढ़ते हैं तो उसमें आलोचकों का कहना था वह बहुत त्रुटिपूर्ण है, जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत मार्क्स देता है वह बहुत त्रुटिपूर्ण है। उसमें क्या होता है कि मार्क्स ने अपने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत में जो केवल श्रम को ही वस्तु के मूल्य निर्धारण का जो आधार मानता है, कहता है जो वस्तु के उत्पादन में श्रमिकों का श्रम लगता है उसी के आधार पर वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है, वह स्वयं में ही त्रुटिपूर्ण है। ये आलोचकों का मानना था कि ये अपने आप में एक त्रुटिपूर्ण व्यवस्था को संकेतित करता है, क्योंकि मूल्य निर्धारण के लिए सिर्फ श्रम ही आवश्यक नहीं है, मूल्य निर्धारण के लिए मांग, पूर्ति, समय, स्थान आदि ऐसे कारण भी हैं जो वस्तु के मूल्य निर्धारण को प्रभावित करते हैं। तो हम मार्क्सवाद की जो और सारी आलोचनाओं के निष्कर्ष स्वरूप कह सकते हैं कि साम्यवाद अथवा मार्क्सवाद विश्व की सबसे बड़ी विध्वंसक शक्ति है। विश्व में अस्थाई शांति की व्यवस्था की तब तक आशा नहीं की जा सकती जब तक साम्यवादी विचारधारा में विश्व कल्याण तथा लोकतंत्र के लिए आवश्यक संशोधन ना कर लिए जाए। ये तो हमने मार्क्सवाद की आलोचना में जो विपक्ष में तर्क है इसके बारे में हमने कहा, ठीक है। अब मार्क्सवाद के जो महत्व है या जो मार्क्सवाद के पक्ष में तर्क है या जो मार्क्सवाद का पक्ष में जो तर्क है उसके बारे में बात करेंगे, तो उसमें देखना ही पड़ता है कि मार्क्सवाद के आलोचना होने के बावजूद मार्क्सवाद को नकारा नहीं जा सकता। इतनी आलोचना होने के बाद भी हम मार्क्सवाद को इग्नोर या नकार नहीं सकते। आज मार्क्सवाद ने पूरे विश्व के स्वरूप को ही परिवर्तित किया है। मार्क्सवाद ने पूरे विश्व के स्वरूप, क्यों? क्योंकि मार्क्स जो धरातल पे खड़ा अंतिम व्यक्ति है उसके मुक्त की बात करता है। जो पूंजीवादी समाज में जो शोषण परक व्यवस्था थी उस शोषण के खात्मे की बात करता है। जो पीड़ित हैं, जो दलित हैं, जो शोषित हैं, जो श्रमिक का पक्ष लेकर जो उपेक्षित मानव के कल्याण के लिए मार्क्सवाद ने जो समाजवाद को एक ठोस एवं वैज्ञानिक आधार प्रदान किया, उसकी जो प्रमुख देन क्या क्या है? पहले आलोचना हमने सुना, आलोचना में इतनी सारी आलोचना की गई कि मार्क्स के जो विचार हैं वो तत्कालीन समाज के जो उनके विचार हैं पर, लेकिन उसके पक्ष में जब हम बात करते हैं तो मार्क्सवाद ने पूरे विश्व के स्वरूप को बदलने का प्रयास किया। जो विश्व में पीड़ित, दलित, शोषित, वंचित हैं उनके कल्याण के लिए जो मार्क्स ने समाजवाद को एक ठोस एवं वैज्ञानिक आधार प्रदान किया वो उसके पक्ष में प्रमुख महत्व दिया जा सकता है। और उस संदर्भ में उनकी जो प्रमुख देन है समाज को, सिद्धांत को, समाजशास्त्रीय सिद्धांत में, उनमें है वैज्ञानिक दर्शनवाद। जिसमें वैज्ञानिक दर्शन क्या है, जिसमें मार्क्सवाद ने वैज्ञानिक समाजवाद भी कहा जाता है। मार्क्सवाद को क्या कहा जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद भी कहा जाता है। मार्क्स के पूर्व के समाजवादी सिद्धांतों में वैज्ञानिक आधार देने का कभी भी प्रयास नहीं किया गया, लेकिन मार्क्स ने अपने दर्शन में वैज्ञानिक आधार देने का भरपूर प्रयास किया। इस कार्य को प्रारंभ करने का श्रेय कार्ल मार्क्स को ही जाता है।
फिर जो दूसरा पक्ष है इनका सैद्धांतिकतावाद की उपेक्षा व्यवहारिकता के बल पर, इसमें क्या होता है कि मार्क्सवाद की लोकप्रियता का प्रमुख कारण उसका व्यवहारिक होना ही है। एक कार्ल मार्क्स का थ्योरी है प्रैक्सिस, जिसमें सिद्धांत और व्यवहार के सामंजस्य की बात की जाती है, उसी को जो मार्क्स सिद्धांत में कहता है वो व्यवहारिकता के धरातल पर उसको करने का प्रयास करता, और यही बात उसके पक्ष में प्रमुख रूप से जाती है कि कार्ल मार्क्स इसलिए लोकप्रिय हुआ कि वो जो सिद्धांत में कहा वो व्यवहारिक धरातल पे दिखाई दिया, उसके सिद्धांतों ने उसके विचारों के आधार पर देश बन गया। इसकी अनेक मान्यताओं को रूस और चीन में प्रयोग में लाया गया, जिनमें सफलता भी मिली। फिर बात की जाती है श्रमिक वर्ग की स्थिति को सबलता प्रदान करता है, कार्ल मार्क्स के जो विचार है वो श्रमिक वर्ग की स्थिति को सबलता प्रदान करते हैं। मार्क्सवाद की सबसे बड़ी देन यही है कि श्रमिक वर्ग में जो वर्गीय चेतना और एकता को जन्म देकर उनकी स्थिति में सुधार करना है। वर्गीय चेतना, मार्क्स ने एक जगह कहा क्लास इन इटसेल्फ, क्लास फॉर इटसेल्फ, स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग। मार्क्स ने कहा जो पहले आदिम समाज में था उसमें स्वयं वर्गीय चेतना जागरूक नहीं होती थी, लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था के आते आते स्वयं क्लास फॉर इटसेल्फ हुआ, जिसमें वर्गों में चेतना का विकास हुआ, क्लास कॉन्शियसनेस आया, जिसके माध्यम से वर्गों का क्या कहेंगे, वर्गों का एक दूसरे में आपस में अपनत्व हुआ, फिर उन दोनों ने मिलकर क्रांति का प्रयास किया। तो वही कार्ल मार्क्स की सबसे बड़ी देन यही थी कि जो वो श्रमिक वर्ग में वर्गीय चेतना और एकता को जन्म देकर, जब वो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में उन्होंने 1848 में जो उनकी एक आई थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, उसमें उन्होंने कहा गरीबों एक हो जाओ, तुम्हें बेड़ियों के खोने के सिवा और कुछ नहीं है, पाने के लिए पूरे संसार है। तो वही मार्क्स कहते हैं कि क्रांति तभी आएगी जब वर्गीय चेतना आगे बढ़ेगा, और यही उनका सबसे बड़ा योगदान है कि वर्गीय चेतना के आधार पर उन्होंने क्लास को एक करने का, जो और सारे छोटे मोटे जिसको पतित बुर्जुआ कहते हैं और सारे छोटे मोटे उनको एक करने का प्रयास किया। मार्क्स ने नारा दिया कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जब उनकी आती है, तुम्हारे पास खोने के लिए केवल जंजीरें हैं और पाने के लिए समस्त विश्व पड़ा है। मार्क्स के इन नारों से श्रमिक वर्ग में चेतना उत्पन्न करने में अद्वितीय सफलता प्राप्त हुई। मार्क्स जो अपना क्रांतिकारी विचार देते हैं उससे जो मजदूर वर्ग में आशा की किरण दिखती है और लोग एक होकर पोलराइज होकर पूंजीपति शोषण के प्रति, अन्याय के प्रति आवाज उठाते हैं, और क्रांति के माध्यम से कार्ल मार्क्स का मानना था कि एक व्यवस्था को बदलने का प्रयास करते हैं। फिर और जो उनका बहुत बड़ा कार्ल मार्क्स का महत्व क्यों सबसे ज्यादा है कि जो उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था के दोषों पर जो प्रकाश डाला, उन्होंने मार्क्सवाद के अनुसार समाज में सदा शोषक शोषित वर्ग में संघर्ष चलता रहता है, शोषक या पूंजीवादी वर्ग सदा अपने लाभ की कमाने की चिंता में रहता है, इसके लिए वह श्रमिकों तथा उपभोक्ताओं का तरह शोषण करता रहता है। अब हम संक्षेप में मार्क्सवादी विचारधारा में ने दलित और उपेक्षित मानवता का पक्ष लेकर अपने को अधिक लोकप्रिय और आकर्षक रूप में प्रस्तुत किया और विश्व राजनीति में अपने को एक प्रबल चुनौती के रूप में खड़ा कर दिया। जब तक विश्व में असमानता और शोषण रहेगा, मार्क्सवाद की प्रासंगिकता हमेशा बनी रहेगी। मार्क्सवाद हमेशा जाना जाएगा जब तक शोषण रूपी व्यवस्था, असमानता रूपी व्यवस्था समाज में चलती रहेगी। आज का जो हमारा टॉपिक था BSOC 133 सोशियोलॉजिकल थ्योरी में, जो हमने आज कार्ल मार्क्स के बारे में जाना, अब हम लोग इसको समाप्त करते हैं। नमस्कार।